वर्धा जिला महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जमनालाल बजाज जैसे महान व्यक्तियों की कर्मभूमि है। इसी कर्मभूमि पर बोर अभयारण्य की स्थापना 1970 में हुई है और इसी अभयारण्य को 16 अगस्त 2014 में बोर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। हमारा बोर भारत का 48वां टाइगर रिजर्व है। इसमें दो रेंज है, बोर रेंज और न्यू बोर रेंज। इसका एरिया 138 स्क्वायर किलोमीटर है। बोर टाइगर रिजर्व को लग के दो मुख्य शहर आते हैं, एक नागपुर और दूसरा वर्धा। नागपुर भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल मार्ग से, हवाई मार्ग से और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ शहर है। वैसे ही वर्धा रेल मार्ग से और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। बोर आने के लिए वर्धा मार्ग से शुरू होते हुए 75 किलोमीटर दूरी पे आता है, जहाँ 1 से 1.5 घंटा लग सकता है आने के लिए। और दूसरे मार्ग से हिमा होते हुए कड़ोस मार्ग से बोर आने के लिए 65 किलोमीटर डिस्टेंस आता है और 1 घंटा का समय लगता है। बोर टाइगर रिजर्व का दूसरा एक गेट है जिसका नाम मड़ेगांव है। नागपुर से अमरावती मार्ग पे बाजारगांव होते हुए बाये से अड़ेगांव पहुँचा जा सकता है, जिसकी दूरी 55 किलोमीटर आती है। बोर टाइगर रिजर्व में आपको जंगल सफारी करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है। वेबसाइट का नाम है www.mahaecotourism.gov.in। दोनों गेट पर आप जंगल सफारी के लिए स्पॉट बुकिंग कर सकते हैं। बोरधरन गेट से जंगल सफारी के लिए सुबह शाम 24-24 गाड़ियां छोड़ी जाती हैं। इसके अलावा अड़ेगांव गेट से सुबह और शाम जंगल सफारी के लिए 12-12 गाड़ियां जाती हैं। बोरधरन गेट पर जंगल सफारी के लिए जिप्सी किराए पर उपलब्ध है। आप अपनी खुद की भी गाड़ी से जंगल सफारी कर सकते हैं और गाइड लेना अनिवार्य है। ये जो आप जंगल देख रहे हैं हरा भरा और ये प्राणी देख रहे हैं, उसकी वजह हम नाइट पेट्रोलिंग, फूड पेट्रोलिंग, मानसून पेट्रोलिंग, वाटर ऑयल चेक करना और जंगल के बाजू में जो भी गांव है उनको जागरूक करना, ये काम करते हैं। इस वजह से ये जंगल हरा भरा है और हर जगह पे प्राणी पाए जाते हैं। आप बोर में कई प्रकार के जानवर देख सकते हैं, जैसे कि सांभर, चीतल, वाइल्ड डॉग, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, चिंकारा और भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर। 2015 के टाइगर कैमरा ट्रैप सेंसेस के अनुसार 3 एडल्ट टाइगर और 7 सब एडल्ट टाइगर है। आप बोर में कई प्रकार के बर्ड भी देख सकते हैं। सफारी का आनंद लेने के लिए आपको सफारी के नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि कोई कचरा नहीं फेंकना, जिप्सी से नहीं उतरना, आवाज़ नहीं करना इत्यादि। अगर आपने सफारी नियमों का पालन नहीं किया तो आपको दंड बैठ सकता है। जो लोग यहाँ पे बोर वगैरह प्रकल्प आते हैं उनके रुकने के लिए FDCM द्वारा यहाँ रिजॉर्ट बनाए गए हैं। यहाँ पे अभी 4 कॉटेजेस हैं जिसकी बुकिंग आप www.mahaecotourism.gov.in पे जाके कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे और 6 रूम और 2 डॉर्मेटरी बनाई जा रही है। यहाँ पे कैंटीन है जो स्थानिक महिला द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए लॉन और चिल्ड्रंस पार्क है। MTDC में रहने के लिए 4 AC, 6 नॉन AC और 3 डॉर्मेटरीज है। इनकी जानकारी इंटरनेट पे है। यहाँ पे सोवेनियर शॉप भी है जहाँ बांबू से बनी वस्तुएं, पुस्तकें, टोपी इत्यादि वस्तुएं आने वाले पर्यटक खरीद सकते हैं। बोर व्याघ्र प्रकल्प के अलावा वर्धा जिले में गांधी जी का आश्रम, विनोबा भावे जी का आश्रम और बुद्धिस्ट स्तूप जैसे दर्शनीय स्थल भी है। बोर व्याघ्र प्रकल्प के पास एक सेवाग्राम नाम का गाँव है जहाँ महात्मा गांधी जी आए थे और उन्होंने यहाँ पे 1936 में आश्रम बनाया। जो लोग बोर में आते हैं पर्यटक करके, वो लोग यहाँ भी आके बापू जी का आश्रम देख सकते हैं। वर्धा बोर व्याघ्र प्रकल्प से प्रसिद्ध है, पर यही वर्धा जिला है जहाँ बापू ने 1936 में अपना घर बनाया। आज ये पेड़, ये जंगल, बाघ, जानवर, ये जंगल के जिस शांत वातावरण में रहते हैं, उसी शांत वातावरण का प्रतीक ये परिसर बापू कुटी सेवाग्राम में है। बोर व्याघ्र प्रकल्प जैसा व्याघ्र प्रकल्प देश में जगह जगह पर होना चाहिए, सिर्फ जानवरों के लिए नहीं। जानवरों से जंगल, जंगल से हवा, हवा से पानी, और ये हवा पानी ही तो जीवन है। ये संदेश बापू ने हमें कई साल पहले दिया था, तभी तो वो फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं। आप जब भी बोर टाइगर रिजर्व जैसे जंगल में आए तो आप गांधी जी के उन विचारों का भी चिंतन करें जिसमें उन्होंने पर्यावरण और पृथ्वी के बारे में कहा था, जो हमारा और इन जानवरों का घर है।